सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। वन ऑफ द फर्स्ट रिव्यूज आ रहे हैं, जी हाँ, यूएई से रिव्यूज आ रहे हैं, जहाँ पे फिल्म धमाल चल रही है। वहाँ का एक बहुत अच्छा रिव्यू आपको बताता हूँ जो मुझे पता चला है। तो वन ऑफ द फर्स्ट रिव्यूज है, वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं ये कल फिल्म देखने वाला हूँ, तो मैं रिव्यू जरूर दूंगा। लेकिन हाँ, फिलहाल जो फर्स्ट रिव्यू आ रहे हैं उसके अंदाजे से बता देता हूँ कि कैसी चल रही है, लोगों को कैसे पसंद आ रही है। बहुत अच्छा रिव्यू हाथ में लगा है, जहाँ पर ये साफ पता चला है कहाँ गया कि काला रिव्यू है। वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मसाला फिल्म इन रिसेंट टाइम्स, यानी कि एक्शन मसाला फिल्म है पूरी की पूरी, वो भी पिछले कुछ सालों में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है ये। ए प्योर मास एंटरटेनर विद ए ग्रेट मैसेज इन द एंड, यानी कि एक मास एंटरटेनर, यानी कि पब्लिक को बहुत मज़ा दिलाने वाली फिल्म है और पब्लिक को बहुत पसंद आएगी ये फिल्म। और एक अच्छा खासा मैसेज है फिल्म के एंड में, ठीक है, यानी कि फिल्म खत्म होने पर एक अच्छा मैसेज पब्लिक को मिलेगा। ही इज़ द मेन यूएसपी ऑफ काला, यानी कि रजनीकांत ही पूरे होल एंड सोल है काला के, मतलब रजनीकांत एकदम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अमेजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन की तारीफ की गई है, यानी कि पीए रंजीत जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, एंड पीसी स्क्रीन प्ले बाय भीम जी की तारीफ की गई, जिन्होंने इसका स्क्रीन प्ले दिया है, यानी कि जो फ्लो होता है ना फिल्म का वो। क्लाइमेक्स सीन इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, यानी क्लाइमेक्स सीन कमाल का है ये कहा गया है। क्लाइमेक्स सीन अब देखना पड़ेगा कैसा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऑलरेडी कल के लिए। और यहाँ पे दिया गया कि नाना पाटेकर डन ए मार्वलस जॉब एज हरिनाथ देसाई, यहाँ पर पॉलिटिशियन का रोल निभा रहे हैं हरिनाथ देसाई का नाना पाटेकर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हुमा कुरैशी परफॉर्मेंस इज ऑल्सो गुड, यानी कि ये इस फिल्म में हुमा कुरैशी, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। बैकग्राउंड स्कोर इज जस्ट अमेजिंग बाय म्यूजिक संतोष, यानी कि संतोष नारायण का म्यूजिक है और म्यूजिक बहुत कमाल का है। एक्शन स्टंट आर न्यू एंड पाथ ब्रेक ब्रेथ टेकिंग, यानी कि जो इस फिल्म में एक्शन है, जो स्टंट है, वो बहुत नया है और जो आपके होश उड़ा देगा, ठीक है। एडिटिंग इज एवरेज, एडिटिंग थोड़ी नपी तुली है, यहाँ पे ये कहा जाए कि एडिटिंग 10 मिनट अगर फिल्म छोटी भी होती तो भी चल जाता, यानी कि एडिटिंग थोड़ा सा और कस्सेदार होनी चाहिए थी। अब एट द एंड ऑफ द इसमें रिव्यूअर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ऑल इन ऑल, यानी पूरे तौर पर देखे तो काला प्योर एंटरटेनर है, रजनीकांत की फिल्म पैसा वसूल है और अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है रजनीकांत का। जी हाँ, रजनीकांत ने अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दिया है इस फिल्म में, नाना पाटेकर ने भी, अच्छा रजनीकांत और नाना पाटेकर दोनों ने अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दिया है। वेल रिटन स्क्रिप्ट बाय भीम जी, यानी कि स्क्रिप्ट जो है भीम जी का बहुत अच्छा है, जिन्होंने आई थिंक स्क्रीन प्ले भी दिया है। श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर, यानी कि पूरी तरह से कन्फर्म है कि ब्लॉकबस्टर है। और यहाँ पर दिया कि 4 स्टार, ए मस्ट वॉच, तो भैया मैं तो देखने जा रहा हूँ और 4 स्टार है। जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली रजनीकांत अपने आप में कमाल का एक्टर है और नाना पाटेकर वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, मेरा फेवरेट एक्टर है। तो उन दोनों को जब फेस ऑफ होगा, जब एक गुंडा एक पॉलिटिशियन से भिड़ेगा और जो आमना सामना होगा, जो बातों के जो युद्ध चलेंगे वो कमाल के होंगे, यानी कि तो मेरे हिसाब से वो देखने के लिए मैं आई थिंक किसी भी कीमत पे जा सकता हूँ और मैं ये फिल्म देखने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय।